बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द सिक्स्थ डे। क्रिश्चियनिटी के अनुसार ईश्वर ने इंसानों को छठे दिन बनाया था। 20वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि वो एक जीव जैसा दूसरा जीव बनाने में पूरी तरह से कामयाब रहे। पर जब यही एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर किए गए तो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया। इंसानों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए सरकार ने कानून पारित किया सिक्स्थ डे, जिसके अनुसार किसी भी इंसान का हमशक्ल यानी कि उसका क्लोन नहीं बनाया जा सकता। वक्त बीतने के साथ इंसानों की क्लोनिंग पूरी तरह से बंद कर दी जाती है, लेकिन आज भी जानवरों की क्लोनिंग होती है। यानी कि अगर किसी का डॉग मर गया तो हूबहू उसी की तरह दूसरा डॉग बना दिया जाता है, जिसके अंदर वही याददाश्त वही एहसास होते हैं। यहाँ पर हम एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम एडम गिब्सन है। उसे उसकी पत्नी का वीडियो कॉल आता है। वो उसे बताती है कि हमारा डॉग मर गया और मैं चाहती हूँ कि तुम रिपीट सेंटर जाओ, जहाँ पर तुम हूबहू उसी की तरह दूसरा डॉग बनवा लो, नहीं तो हमारी 8 साल की बेटी को इससे बहुत दुख होगा। एडम इस बात के खिलाफ होता है। वो कहते हैं कि उसे जिंदगी की सच्चाई को अपनाना होगा। हम पैदा होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। हमारा डॉग हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि कोई वैज्ञानिक डॉग मेरी बेटी के साथ रहे, लेकिन उसकी पत्नी उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करती है। एडम चार्टर्ड पायलट है, इसीलिए आज उसे अपने दोस्त हैंक के साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को, जिसका नाम माइकल डकर है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। माइकल डकर बिलियनियर है, उसका क्लोनिंग का बिजनेस है, यानी कि वो जानवरों की क्लोनिंग करता है। पर इससे पहले कि ये माइकल डकर को लेने के लिए जाते, यहाँ पर माइकल डकर के लोग आते हैं और सबसे पहले वो एडम का ब्लड टेस्ट लेते हैं। इसके बाद उसे कहा जाता है कि एक मशीन के ऊपर अपनी चिन्ह रखो, आपकी आंखें भी टेस्ट करनी है। और ऐसा ही वो उसके दोस्त हैंक के साथ करते हैं। इन्हें बताया जाता है कि माइकल डकर के साथ जो भी सफर करता है उनके इसी तरह से टेस्ट किए जाते हैं। माइकल डकर के लोग यहाँ से चले जाते हैं। और अब हैंक एडम से कहता है कि तुम्हें रिपीट सेंटर अपने डॉग के क्लोन को बनाने के लिए जाना है, इसीलिए माइकल डकर को लेने के लिए मैं चला जाता हूँ, और वैसे भी आज तुम्हारा जन्मदिन है। एडम उसकी बात मान जाता है और हैंक माइकल डकर को लेने के लिए जाता है, जहां पर वो अपना नाम एडम गिब्सन बताता है, क्योंकि माइकल को खास तौर पर एडम ही चाहिए था। हैंक माइकल को लेकर एक बर्फीली पहाड़ी पर जाता है, जहां पर एक आदमी आता है और इन पर गोली चला देता है। वहीं एडम को दिखाया जाता है जो टैक्सी में सो रहा होता है। टैक्सी वाला उसे कहता है कि आपकी मंजिल आ गई। एडम वहां पर उतरकर रिपीट सेंटर जाता है, जहां पर उसे अपने डॉग का हमशक्ल अपने डॉग का क्लोन बनवाना है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो इसके खिलाफ होता है। वहीं पर उसे गुड़िया दिखती है। ये गुड़िया उसकी बेटी ने उससे मंगवाई होती है। एडम उस गुड़िया को लेकर अपने घर जाता है, पर घर के गेट पर अपने डॉग को जिंदा देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी ने उसके डॉग का क्लोन बनवा लिया। अब वो गेट से अंदर जाता है और तभी उसे हैप्पी बर्थडे की आवाज आती है। ये सुनकर वो हैरान होता है क्योंकि उसी का आज बर्थडे है, और जब वो बाहर है तो अंदर किसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। एडम घर के अंदर झांकता है और पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि घर के अंदर हूबहू उसी के जैसा एक इंसान होता है, जिसे सब एडम समझ रहे होते हैं। साथ ही चेयर पर वो डॉल भी होती है, जो डॉल उसकी बेटी ने उससे मंगवाई थी, जो वो खुद अपनी बेटी के लिए लेकर आया है। एडम अपने घर के अंदर जा रहा होता है, तभी यहाँ पर विली और टाली आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि सिक्स्थ डे के रूल को तोड़ा गया है, हमने ह्यूमन क्लोन बनाया, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन एडम उनकी बात ना सुनकर अपने घर के अंदर जा रहा होता है, तभी टालिया उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब वो एडम को खींचकर अपनी गाड़ी तक ले जा रहे होते हैं, तभी एडम को होश आ जाता है और वो विली को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इसके बाद वो अपने घर के बाहर से अपनी गाड़ी लेकर भाग रहा होता है, लेकिन उसमें टालिया बैठ जाती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन एडम उसकी गन छीन लेता है, उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। टालिया उसे बताती है कि तुमसे पहले तुम्हारा क्लोन, तुम्हारा हमशक्ल तुम्हारे घर पहुंच गया, उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, और अब वो तुम्हारे परिवार के साथ बाकी की जिंदगी जिएगा। अगर तुम्हारे परिवार को तुम्हारे क्लोन की सच्चाई पता चली तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। तालिया के लोग भी यहाँ पर एडम का पीछा कर रहे होते हैं और वो एडम के ऊपर गोली चलाते हैं, जो गोली टालिया को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। साथ ही टालिया का साथी विली भी एडम की गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। एडम भागने में कामयाब हो जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर पुलिस को सारी सच्चाई बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे एक मानसिक रोगी समझ कर एक कमरे में बिठा कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है। वही माइकल डकर के सिक्योरिटी ऑफिसर को दिखाया जाता है।
जाता है जिसका नाम रॉबर्ट है। रॉबर्ट को पता चलता है कि एडम पुलिस स्टेशन में है, इसीलिए वहां पर खड़े डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट भी है जो क्लोनिंग का काम करता है, रॉबर्ट डॉक्टर से कहता है कि मुझे टालिया और विली की जरूरत है, जल्द से जल्द उनके क्लोन बनाओ। और यहाँ पर अब टालिया और विली की क्लोनिंग होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर टैंक से एक बॉडी को निकाला जाता है और इस बॉडी को पूरी तरह से टालिया की बॉडी की तरह रंग रूप शेप देना शुरू कर देते हैं। साथ ही टालिया का डीएनए और उसके अंदर जितने भी याददाश्त जितने भी एहसास थे वो सब के सब इस क्लोन के अंदर डाले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडम को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में होता है और तभी वो देखता है कि बाहर एक बार फिर से वही आदमी है जो उसे मारना चाहते थे। वो किसी तरह से यहाँ से भाग जाता है और जब वो बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर विली है। वो विली को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि विली को उसी ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। विली उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन एडम उसी को मारकर यहाँ से भाग जाता है। एडम सीधा अपने साथी हैंक के पास जाता है जो उसके बदले हेलीकॉप्टर लेकर गया था। वो हैंक को पूरी सच्चाई बताता है लेकिन हैंक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए वो हैंक को अपने घर ले जाता है और अपने हम शक्ल को दिखाता है। हैंक भी ये देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं तभी एक आदमी आकर हैंक को गोली मार देता है। ये वही आदमी होता है जब हैंक माइकल डकर को लेकर एक बर्फीली पहाड़ी पर गया था और इसी आदमी ने उन दोनों पर गन चलाई थी। ये आदमी हैंक को मारकर यहाँ से भाग रहा होता है लेकिन इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एडम इसके पास जाता है और पूछता है कि तुमने मेरे दोस्त हैंक को क्यों मारा। वो बताता है कि तुम्हारा दोस्त आज दिन में मारा गया था जब वो माइकल डकर को लेकर एक बर्फीली पहाड़ी पर गया था। वो माइकल डकर के साथ था इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा, और जिसे मैंने अभी दोबारा मारा जिसे तुम अपना दोस्त हैंक समझ रहे थे वो सिर्फ उसका क्लोन था। माइकल डकर ने अपना क्लोन बनवाया, तुम्हारा बनवाया, साथ ही हैंक का भी बनवाया। अब यहाँ पर माइकल डकर का सिक्योरिटी इंचार्ज रॉबर्ट और टालिया गाड़ी से पहुंच जाते हैं। वो आदमी कहता है कि तुम्हें मेरे सिर पर गोली मारनी होगी क्योंकि मेरे कुछ साथी हैं जो माइकल डकर की लैब में काम करते हैं और अगर इन्होंने मेरा दिमाग पढ़ लिया तो ये लोग उन्हें मार देंगे। इसीलिए एडम का हाथ पकड़कर अपने सिर पर गोली मार देता है। टालिया और रॉबर्ट जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो एडम उन पर गोली से हमला करता है जिससे रॉबर्ट का पैर और टालिया का अंगूठा कट जाता है। एडम टालिया का अंगूठा लेकर उसकी गाड़ी में बैठता है और उसके फिंगरप्रिंट से उसकी गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद एडम उस कंपनी में जाता है जहाँ पर टालिया काम करती है और एक बार फिर से टालिया का फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करके वो माइकल की कंपनी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो उस डॉक्टर से मिलता है जो क्लोन्स बनाता है, जिसने खुद एडम को बनाया है। एडम उससे पूछता है कि तुमने कैसे किया। वो डॉक्टर बताता है कि जब हमारे आदमी तुम्हारी आंखों के टेस्ट करने के लिए और ब्लड सैंपल लेने के लिए आए थे, दरअसल वो आंखों का टेस्ट नहीं था बल्कि तुम्हारे दिमाग की रिकॉर्डिंग थी जो हमारे पास डेटा की तरह सेव थी, और जो ब्लड टेस्ट तुम्हारा किया गया था उससे हमें तुम्हारा डीएनए मिल गया और इस तरह से हमने तुम्हारा क्लोन बनाया। एडम पूछता है कि आपने मेरा क्लोन क्यों बनाया, मैं तो जिंदा था। डॉक्टर अब उसे एक वीडियो फुटेज दिखाता है। ये वीडियो फुटेज उस दिन की होती है जिस दिन एडम का दोस्त एडम के बदले माइकल डकर को एक बर्फीली पहाड़ी पर ले गया था, जहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी ने जो क्लोनिंग के खिलाफ है उसने माइकल डकर को और तुम्हारे दोस्त हैंक को दोनों को गोली मार दी थी। इसके बाद डॉक्टर ने माइकल डकर का क्लोन बनाया जिसने उन्हें बताया कि उसके साथ जो पायलट मारा गया उसका नाम एडम था क्योंकि हैंक ने अपने आप को एडम से इंट्रोड्यूस किया था और इसीलिए हमने तुम्हारा क्लोन बनाया, पर बाद में हमें पता चला कि वो तुम नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हैंक था इसीलिए हमें उसका भी क्लोन बनाना पड़ा। माइकल डकर की जिंदगी को हमेशा खतरा रहता है क्योंकि वो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है, उसकी पहले भी कई बार मृत्यु हो चुकी है, हम कई बार उसके क्लोन्स बना चुके हैं, पर ये बात हमें छुपा कर रखनी पड़ती है क्योंकि अगर सरकार को पता चल गया कि माइकल डकर मर चुका है और असल में जो इस दुनिया में है वो उसका क्लोन है तो उसकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक मानव को किसी भी तरह की संपत्ति का कोई अधिकार नहीं होता। और तुम्हें माइकल डकर अब इसलिए मरवाना चाहता है क्योंकि तुम दो हो और सरकार को अगर पता चल गया कि तुम्हारा क्लोन बनाया गया है तो माइकल डकर को सिक्स्थ डे कानून तोड़ने के इल्जाम में सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर एडम को एक डिस्क भी देते हैं जिसके अंदर माइकल डकर की याददाश्त होती है। इस डिस्क के जरिए सरकार के आगे माइकल डकर का पर्दाफाश हो सकता है। ये भी साबित किया जा सकता है कि माइकल डकर अब मारा जा चुका है।
चुका है और जो माइकल डकर अभी दुनिया के सामने है ये असली माइकल डकर का क्लोन है। वही माइकल डकर और उसके आदमियों को पता चल जाता है कि एडम इसी बिल्डिंग के अंदर है, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचते एडम यहां से निकल जाता है। माइकल डकर एडम की पत्नी और उसकी बेटी को किडनैप करवा देता है और अब एडम अपने घर पहुंचता है जहां पर उसका क्लोन होता है। वो भी अपनी पत्नी और बेटी के लिए परेशान होता है, इसीलिए पुलिस को कंप्लेन कर रहा होता है। लेकिन जब वो अपनी हमशक्ल को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। एडम उसे बताता है कि तुम मेरे क्लोन हो और अब हमें अपने परिवार को बचाना है। इसीलिए एडम माइकल डकर को कॉल करता है। माइकल डकर उसे कहता है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। एडम उसे कहता है कि आज रात को 10 बजे मैं तुम्हारी डिस्क लेकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। वहीं माइकल डकर का वो डॉक्टर जो सबके क्लोन्स बनाता है वो माइकल डकर के पास आता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। दरअसल डॉक्टर की पत्नी मर गई होती है, लेकिन उसकी पत्नी जो मरी होती वो भी एक क्लोन होता है जो खुद डॉक्टर ने बनाया था, लेकिन उस क्लोन की जिंदगी 5 साल की थी। दरअसल माइकल डकर जितने भी लोगों के क्लोन्स बनवाता था उन सबके डीएनए में एक बीमारी डाल देता था जिससे कोई भी 5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। डॉक्टर की पत्नी ने उससे वादा लिया था कि अब वो उसका क्लोन दोबारा कभी नहीं बनवाएगा। डॉक्टर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो इस वादे को नहीं तोड़ना चाहता। वो माइकल डकर से कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है और अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। माइकल डकर कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। वो उस पर गन तान देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा और इसके बाद मैं तुम्हारा क्लोन बनाऊंगा, तुम्हारी पत्नी का भी, और तुम्हें ना ये बातचीत कभी याद रहेगी और ना ही तुम्हारी पत्नी को ये याद रहेगा कि उसने कभी तुमसे वादा लिया था कि तुम उसका क्लोन नहीं बनवाओगे। और इसके बाद वो डॉक्टर को गोली मार देता है। वहीं एडम गिब्सन अब अपने हेलीकॉप्टर से माइकल की बिल्डिंग के ऊपर लैंड करता है और उसके सिक्योरिटी वालों को कहता है कि माइकल ने हेलीकॉप्टर बुलाया था। माइकल की सिक्योरिटी जब माइकल को ये बात बताती है तो माइकल कहता है कि मैंने कोई हेलीकॉप्टर नहीं मंगाया था, ये हो ना हो एडम है, और वो कैमरा में एडम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एडम उन्हें दिख जाता है जो सिक्योरिटी कैमरास को एक एक करके नष्ट कर रहा होता है। एडम को पकड़ लिया जाता है और अब एडम माइकल डकर के सामने होता है जहां पर माइकल को उसके आदमी बताते हैं कि इसके पास आपकी मेमोरी वाली डिस्क नहीं है। एडम कहता है कि वो डिस्क मैं अपने हमशक्ल को दे आया हूं और अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो वो डिस्क मेरा हमशक्ल अदालत ले जाएगा और तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। इस पर माइकल डकर उसे बताता है कि हमशक्ल वो नहीं बल्कि तुम हो, वो असली एडम है। एडम को उसकी बात पर विश्वास नहीं आता। तभी माइकल टेलिया से कहता है कि इसको बताओ कि तुम्हारे कितनी बार हम शक्ल बन चुके हैं। टेलिया कहती है कि मैं गिनती भूल चुकी हूँ। माइकल कहता है इसे दिखाओ और टेलिया उसे अपनी आंख के नीचे दिखाती है जहां पर 4 निशान होता है, यानी कि 4 बार उसके हम शक्ल बन चुके हैं। और जब एडम अपनी आंख के नीचे देखता है तो उसकी आंख के नीचे भी एक निशान होता है, यानी कि वो भी हम शक्ल है। और जिसे अभी तक वो अपना हम शक्ल अपना क्लोन समझ रहा था वो असली एडम है। माइकल उन सब के क्लोन हमेशा बनवा देता है जो उसके साथ मारे जाते हैं ताकि किसी भी आदमी के गायब होने की कोई खबर ना मिले और उसकी मौत का राज हमेशा राज बनकर रहे। यहां पर माइकल एडम से कहता है कि तुम मुझे असली एडम का पता बता दो, मैं उसे मार दूंगा, इसके बाद तुम अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए रह सकते हो। 2 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं, मैं भारी वोटों से इलेक्शन जीत जाऊंगा और इसके बाद मैं 6-डे कानून को हमेशा के लिए बदल दूंगा। हम कानूनी तौर पर बड़े बड़े महान लोगों को जिंदा रख सकेंगे। एडम पूछता है ये डिसाइड कौन करेगा। माइकल कहता है कि मैं, लेकिन एडम उसकी बात नहीं मानता और ना ही वो असली एडम का पता बताता है। पर माइकल जबरदस्ती उसे उस मशीन तक ले जाते हैं जिसके अंदर विचारों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। वो उसके विचारों को रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब वो उसके विचारों की डिस्क को प्ले करते हैं तो ये देखते हैं कि ये असली एडम को डिस्क देकर यहाँ पर आ गया था। माइकल के लोग उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहां पर असली एडम है, पर तभी माइकल उसकी यादों की डिस्क में आगे देखता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। दरअसल असली एडम भी हेलीकॉप्टर में पीछे बैठकर उसी के साथ इस बिल्डिंग तक पहुंच गया होता है, लेकिन जानबूझकर क्लोन ने उसकी तरफ नहीं देखा होता, इसीलिए वो उसकी यादों में रिकॉर्ड नहीं होता। वो अपने आदमियों को कहता है कि असली एडम भी यहां पर है, ये जानबूझकर पकड़ा गया ताकि असली एडम अपने बीवी बच्चों को ढूंढ सके। वहीं असली एडम को दिखाया जाता है जो अपने बीवी बच्चों को ढूंढ रहा
होता है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर में बॉम्ब लगाता है। इसके बाद वो यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। उसे अपनी बीवी और बच्चा भी मिल जाता है, जिन्हें वो हेलीकॉप्टर से एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है और वापस अपने हमशक्ल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वही माइकल को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एडम का हमशक्ल हमला कर देता है। माइकल के लोग एडम को गोली मारते हैं, पर गोली एडम को नहीं बल्कि माइकल को लग जाती है। माइकल जख्मी हो जाता है। माइकल अपने आदमी से कहता है कि मेरे दिमाग की मेमोरी को सेव करो, मुझे एक क्लोन की जरूरत है, क्योंकि वो मर रहा होता है। वहीं एडम को दिखाया जाता है जो उस टैंक के अंदर छुप जाता है, जिस टैंक के अंदर बहुत सारे क्लोन्स होते हैं। पर टालिया को पता चल जाता है कि एडम का क्लोन उसके अंदर छुपा है। वो उस पर गोली चलाती है जिससे टैंक का शीशा फूट जाता है और सारा लिक्विड बाहर आ जाता है। इसके बाद एडम टालिया को मार देता है। वहीं माइकल को दिखाया जाता है जो अपनी यादों को अपनी क्लोन के अंदर, अपने हमशक्ल के अंदर डाल रहा होता है। कुछ ही देर बाद क्लोन पूरी तरह से विकसित ना होने के बाद भी होश में आ जाता है और असली माइकल के कपड़े उतारना शुरू कर देता है, जो मरने वाला है। अब यहाँ पर एडम का हमशक्ल भी आ जाता है, जो अपनी गन से पहले तो लैब को तबाह करता है और इसके बाद वो माइकल और उसके हमशक्ल को वहीं पर छोड़कर उस जगह जाता है जहाँ पर बॉम्ब लगे होते हैं। वो बॉम्ब को जलाकर बिल्डिंग की छत पर चला जाता है, जहाँ पर असली एडम अब हेलीकॉप्टर से उसे बचाने के लिए आ चुका होता है। लेकिन इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर तक पहुंचता, माइकल उसके पैर पर गोली चला देता है। असली एडम को भी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना पड़ता है और उनके सामने अब माइकल होता है, जिसके हाथ में गन है। पर जिस हेलीकॉप्टर से एडम आया होता है वो रिमोट कंट्रोल से भी चलता है। वो रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होता है, जिसकी मदद से वो हेलीकॉप्टर को माइकल की तरफ बढ़ाता है। मजबूरी में माइकल को कूदना पड़ता है, पर जहां पर वो कूदता है वहां पर शीशा होता है जो चटकने से टूट जाता है और माइकल बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। दोनों एडम को पता है कि अब विस्फोट होने वाला है, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर पर लटक कर यहां से निकल जाते हैं। और तभी एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिससे पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। अंत में दिखाया जाता है कि एडम और उसका क्लोन साथ में है। एडम ने अपने क्लोन को यहां से दूर भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया होता है, ताकि उसकी सच्चाई के बारे में किसी को कभी कुछ पता ना चले। साथ ही एडम के क्लोन में किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती, यानी कि वो लंबे समय तक जी सकता है। एडम का क्लोन एडम को थैंक्स कहता है। वो कहता है कि तुमने मुझे आखिरी बार अपने परिवार से मिलने की परमिशन दी। और इसके बाद एडम का क्लोन अपने परिवार से मिलने के लिए जाता है, जिनसे मिलकर उसे बहुत खुशी होती है। इसके बाद वो हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर हेलीकॉप्टर से अपने नए सफर पर निकल पड़ता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2000 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।